इस के अतिरिक्त वाइने अंदर समाजी आज उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में कुछ संशोधन किया गया है और इस संशोधन का लक्ष्य है कि जो अभी तक 20 अगस्त 1922 को जो लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, 5 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। जो प्रोत्साहन बढ़ाए गए खास तौर से 200 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी, 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान, 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान, अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात का देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि विद्युत पानी बुनियादी ढांचे कैपिटल शेयरिंग वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित FAB इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित PLI प्रोत्साहन को छोड़कर FCI के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। यानी अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारी उसके अतिरिक्त जो प्रोत्साहन है वो हमने आपके सामने उनका कुछ उस जिसको फोकस करना था वो हमने किया जी। और कई औपचारिक हैं जैसे पुलिस बल को सुरक्षा विशेष सुरक्षा बल को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहिनियों के क्रमशः लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में उनके वाहनों की व्यवस्था इसके लिए की गई है, खासतौर से इसकी गति बढ़ाने के लिए इसमें 244 वाहन नए वाहन क्रय किए जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे निष्प्रयोज्य वाहन हैं उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर भी 250 लाख के नए वाहन भी क्रय किए जाएंगे। इसमें जो निष्प्रयोज्य हो गए हैं या जिस प्रकार से अभी चलने लायक नहीं है उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर नए वाहन लिए जाएंगे। नहीं जनरल ये भी पुलिस है, लोकल पुलिस भी और विशेष पुलिस बल भी उनकी गति बढ़ाने के लिए खास तौर से। और एक बात विशेष रूप से अभी जो हमारा
जो 112 का जो अभी टाइम हमारा 5 2016 में लगभग 1 घंटे का टाइम दिया जाता था, उसमें काफ़ी कुछ क्राइम को रोकने में दिक्कत होती थी, और अब रिस्पांस टाइम 10 मिनट से भी कम रह गया, यानी 9.28 एवरेज है हमारा, उसमें भी और अधिक बेहतर तरीके से कम समय में रिस्पांस हो। जितनी जल्दी से जल्दी अगर 112 की गाड़ी पहुंच जाएगी तो हम समझते हैं कि उसको रोकने में भी मदद मिलेगी, और इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। गाड़ियों की क्वालिटी के ऊपर, गाड़ी को मेक के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, ताकि ऐसी गाड़ियाँ जो शहरों में आसानी से चल सके और जिसका मेंटेनेंस भी कम हो, उनको परचेस किया जाएगा, ताकि उनकी गति बढ़ सके और रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके, ताकि मौके पर आवश्यकता अनुसार कम से कम समय में पहुंचकर अपराध को रोका जा सके या उसको रिस्पांस किया जा सके। थैंक यू। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो ऊर्जा विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर किया है, वो है राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति, सोलर पॉलिसी का प्रस्ताव। आपके संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में एक नीति सौर ऊर्जा की बनी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ते हुए हमने नई नीति लाने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत हमने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे, जिस 22,000 मेगावाट, जिसमें 14,000 मेगावाट सोलर पार्क और ऐसे ओपन एक्सेस के जरिए हम लेने का हमारा प्रयास है, जनरेट करने का प्रयास है। सोलर रूफटॉप जो आवासीय है रेजिडेंशियल, उससे 4500 मेगावाट, और अनावासीय रूफटॉप जो है उससे 1500 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का विचार है। उसी तरह किसानों के खेतों में और किसानों का जो एग्रीकल्चर फीडर होता है उससे भी 2000 मेगावाट पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये सरकार ने मंजूर किया है कैबिनेट ने कि इस सोलर एनर्जी के जनरेशन के साथ साथ हम उसके स्टोरेज की भी व्यवस्था के लिए भी हम अपनी पॉलिसी में मदद देंगे। और आपको याद होगा तो इस तरह की व्यवस्था जो औद्योगिक विभाग जो औद्योगिक नीति लेकर के आया था, तो उसमें भी ये व्यवस्था की गई थी, जो पंप स्टोरेज के जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो वही सेम इंसेंटिव हम सोलर पॉलिसी में भी बिल करके इनको देंगे। उसी तरह जो पिछड़े इलाके हैं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे, वहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर हम 20 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन लाइन बनाने का खर्चा भी हम सरकार देगी। उसमें आपके आपके ध्यान में होगा ही कि छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे 5 से 10 मेगावाट की जो इकाई होगी, 10 से 50 की होगी, अलग अलग स्लैब में हमने ये रखा हुआ है कितने किलोमीटर तक का हम उनको देंगे। 5 से 10 मेगावाट की होगी तो 10 किलोमीटर तक का बनाएंगे, 10 से 50 होगी तो 15 किलोमीटर, और 50 से अधिक मेगावाट की क्षमता का है तो 20 किलोमीटर तक की हम लगाएंगे। प्रति किलोमीटर लगभग 65 से 70 लाख रुपए का इसमें खर्च आता है। एक और नई बात जो इस नीति में हम लोगों ने कहा है वो ये है कि सोलर पार्क की स्थापना के लिए सरकारी भूमि अगर सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो उसको 1 रुपया प्रति एकड़ की दर से हम लीज पे देंगे, मतलब मुफ्त एक तरह से सोलर पार्क के लिए हम जमीन देंगे। अगर ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो उनके लिए हमने कहा है कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से हम लीज पे उनको देंगे। एक अन्य व्यवस्था, एक नई और बात हम लोगों ने ये कहा है कि अभी तक जो आवासों पर जो सोलर रूफटॉप लगता था उसमें नेट मीटरिंग की हमने पहली बार व्यवस्था करके हम
दे रहे हैं। अभी तक नेट बिलिंग की छूट थी, लेकिन नेट मीटरिंग की छूट नहीं थी, वो हम कर रहे हैं। जो अनावासीय भवन है, जहां आवास के अलावा जो बिल्डिंगें हैं, उनमें हमने ये कहा है कि जो नॉन कमर्शियल है उस पे, जैसे कि शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको हम इसकी इस पॉलिसी के तहत हम लाभ देंगे। और उसमें हमने 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और इसमें भी हम नेट मीटरिंग की सुविधा देंगे जो पहले नहीं थी। पहली बार हमने ऐसे भवनों पर नेट मीटरिंग की सुविधा हम करके ला रहे हैं। जो बाकी अन्य अन्य जो अनावासी भवन है, वहाँ पहले की तरह नेट बिलिंग की व्यवस्था चालू रहेगी। किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ इस नीति के अंतर्गत देने का हम लोगों ने विचार किया है, और ये दो नए एलिमेंट किसानों के दृष्टि से हम लोगों ने रखा है कि विशेष रूप से जो किसान अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी ऊर्जा के उपयोग के लिए जो सोलर का प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको जो अनुसूचित जनजाति, मुसहर टाइप के, मुसहर जाति और वनटांगिया, वनीय क्षेत्रों में रहने वाले और एकदम जनजाति प्रकार के लोगों को, वनटांगिया और मुसहर जैसे लोगों को भी हम 100% छूट के साथ, पूरी फुल सब्सिडी के साथ उनको हम कह रहे हैं कि आप अपने 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 खेत में आप सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। 100% पूरी की पूरी, पूरा का पूरा अनुदान हम उनको देंगे, जिससे कि हमारी दो बातें आगे बढ़ जाएगी। एक तो बिजली पहुंचती है नहीं पहुंचती है, वो समस्या उनको सोलर दे करके हम काफी हद तक, अन्य कृषकों को हमने कहा है कि 90% की छूट हम देंगे, 10% उनसे हम लेंगे। उसी प्रकार ये हुई बात खेत में किसान के अपने अपने सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में, जो लगभग 5.5 लाख के आसपास, 5.5 से 6 लाख के आसपास का इस तरह का एक सामान्य क्षमता वाला आएगा, उसमें से जनजाति, वनटांगिया, मुसहर के लिए 100% छूट और अन्य किसानों के लिए 90% छूट। दूसरी योजना है कि हम जो फीडर होता है एग्रीकल्चर का, उसको सोलराइज करने का हम भारत सरकार की योजना है, उसमें हम और आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने ये कहा है कि 1.5 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट की दर से, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें एग्रीकल्चर फीडर में वो फीड करके और बिजली देना चाहते हैं, तो उनको 1.5 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट की दर से सब्सिडी है, उसमें हम लोग 50 लाख रुपया और राज्य सरकार की तरफ से देने का हमने इसमें व्यवस्था किया है। उसी प्रकार हमारे सभी नगर निगमों को हमने सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी इस नीति में हमने प्रावधान किया है। उसमें विशेष रूप से अयोध्या पर हमारा विशेष ध्यान है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जो सोलर नगर निगम है उनको भी इनको सोलराइज करने के लिए हमने ये भी कहा है कि कम से कम 10% उस नगर निगम के क्षेत्र में जो जो खपत होती है, उसका 10% कम से कम सोलर एनर्जी से आना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से 100 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से राज्य सरकार उन नगर निगमों को हम सब्सिडी देंगे। दो और बातें हमने कही है कि ये जो जमीन का जो मैंने बताया कि वो मुफ्त दी जाएगी, उसमें हमने स्टैम्प ड्यूटी, पिछली योजना में भी था, स्टैम्प ड्यूटी से मुक्ति दी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो उनको भरनी पड़ती है उसमें से भी मुक्ति उनको दी जाएगी। इस योजना के आने से हमारा मानना है कि रूरल एरियाज में, खास करके बुंदेलखंड जहां सोलर एनर्जी का ज़्यादा पोटेंशियल है, ऐसे क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में लगभग 30,000 युवकों को रोजगारी के अवसर उपस्थित होंगे, और इन युवकों को हम लोग विशेष रूप से सूर्य मित्र का नाम देते हुए उनको रोजगारी मिले, इस प्रकार हम इस पूरी योजना को प्रोत्साहित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की अनुग्रह से ये पूरी योजना 5 साल
में लगभग 7700 करोड़ रुपए का वित्तीय भार उपाशय जो है वो राज्य सरकार आने वाला है। कई 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 राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के बाद हमने हमने इस योजना को जी 7700 करोड़। अभी सर एग्जिस्टिंग कितनी है सौ रुपया हमारे यहाँ 2017 में टारगेट कितना था और अचीवमेंट कितना होगा? 2017 की पॉलिसी का टारगेट था 10,700 मेगावाट, उसमें से जो ऑलरेडी कमीशन है वो 1,032 मेगावाट है कमीशन, और अन्य लगभग 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है अलग अलग स्टेजेस पे पाइपलाइन में है, कमीशनिंग होगी आने वाले दिनों में होगी। अगला विषय है पर्यटन नीति का, इसका प्रेस नोट आप लोगों को सोलर एनर्जी वाला आपके पास पहुंच जाएगा। पर्यटन नीति 2022 आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इस नीति का की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जहां कम विकसित क्षेत्र हमारे हैं उन पर भी हम फोकस करके टूरिज्म का डेवलपमेंट करें और निवेश को कैसे हम प्रोत्साहित करें इस पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगारी पैदा करने का बहुत पोटेंशियल होता है, तो उसको देखते हुए इस पे काफ़ी इस नई नीति में हम फोकस लेकर के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पर्यटन का, उन सारे पोटेंशियल्स को कैसे हम एक्सप्लॉइट करें और कैसे हम उसको हर तरह के जो पोटेंशियल हैं उनका कैसे हम उपयोग करें, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक नई नीति का की रचना की गई है, उसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। उसमें विशेष रूप से कुछ पर्यटन की गतिविधियों को जो जिनमें से कई अभी तक पर्यटन की व्याख्या में नहीं आती थी, उनमें जैसे बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, हेरिटेज होम स्टे, कई जगह हेरिटेज टाइप के लोग होते हैं जो युग के भवन या कुटिया होती हैं जहां लोगों को रोका जा सकता है, ऐसी चीज़ों को, इको टूरिज्म की इकाइयाँ, कारवा टूरिज्म की यूनिट्स, प्रदर्शनी कॉन्फ्रेंस जो कन्वेंशन होते हैं उनको, फिर पिलग्रिम डॉर्मेटरीज होती हैं, पिलग्रिम्स के रुकने के लिए कई जगह व्यवस्थाएं होती हैं, धर्मशालाएं होती हैं, रिसॉर्ट्स, इस कुछ प्रकार के जो रिसॉर्ट्स हैं उनकी भी वो भी अभी व्याख्या में नहीं आते, वेलनेस रिसॉर्ट जैसे हैं, ऑल वेदर सीजनल कैंप्स हैं, जलाशय झील के प्रकार के हैं, वेलनेस टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, इनमें से कई ऐसी एक्टिविटीज थी जो अभी भी इसमें नहीं आती थी, उन सबको इस प्रकार की 22 एक्टिविटीज को हमने इसमें लाने का प्रावधान किया गया है। नए पर्यटन गंतव्यों का भी, डेस्टिनेशंस का भी विकास किया जाएगा जिसमें रामायण सर्किट, अयोध्या, चित्रकूट, सिंहवेदपुर, महावीरन, बिठूर, उसी तरह कृष्ण और ब्रज सर्किट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर के अन्य जगहों तक जाएगा। बुद्धिस्ट सर्किट उसी प्रकार से कपिल वस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा, अतरंजी, रामग्राम, अयछत्र, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और इको टूरिज्म को एक साथ रखते हुए इसमें भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और इको टूरिज्म को भी एक साथ लेते हुए उसमें सेंचुरी और फॉरेस्ट रिजर्व टाइप की जो हमारी नेचुरल जो हमारी क्षमताएं हैं उनको विकसित करते हुए वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है। बुंदेलखंड सर्किट जिसमें चरखारी, चित्रकूट, कलिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, महाभारत सर्किट की परिकल्पना की गई है जिसमें हस्तिनापुर, कांपिल्य, अयछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह, ये सब स्थानों को समेटते हुए महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना है, विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा, काली खो, मतलब जो विंध्याचल का जो क्षेत्र है वहाँ से लेते हुए देवपाटन,
नेमिसा वन्य, ललितांबा, ललिता देवी, फिर ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी सहारनपुर तक, शिवानी देवी चित्रकूट, ये सारी जो शक्तिपीठ हमारे हैं राज्य के, उनको आच्छादित करते हुए शीतला माता स्थल जो हमारे मऊ जिले का मऊ प्रॉपर का प्रसिद्ध स्थान है, उसको भी इसमें स्थान दिया गया है। आध्यात्मिक सर्किट उसी तरह से गोरखपुर बलरामपुर से शुरू होते हुए गौरिया मथुरा संत रविदास स्थल माँ परमेश्वरी देवी आजमगढ़ की हैं, भृगु आश्रम बलिया का है, बटेश्वर है आगरा का, आप सबके ध्यान में होगा, शामली तक शाहजहांपुर माननीय जी का जो क्षेत्र है, हनुमान धाम माननीय जी के प्रयास से बहुत अच्छा बना है। इन सबको लेते हुए आध्यात्मिक सर्किट विकसित करने की बात है। सूफी कबीर सर्किट भी विकसित करने का विचार है, जो अमेठी मगहर संत कबीर नगर से लेकर के बनारस के लहरतारा जो कबीर जी का कर्म भूमि रही है वहां तक ले जाने का इसमें प्रस्ताव है। जैन सर्किट उसी तरह से है, देवगढ़ हस्तिनापुर से लेकर के अहिछत्र पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामनगर तक जाने का। क्राफ्ट सर्किट ये एक बड़ा नवीन इनोवेटिव आइडिया है, जिसमें आपको मालूम क्राफ्ट क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट का जो होता है, आपको मालूम है कि अपने अपने राज्य में अनेक जिलों में अनेक जगहों पे क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट का बहुत पोटेंशियल है और बहुत जगह काम होता भी है। कहीं मार्बल पे इनले का जो अंदर उसमें करके बनाते हैं, मार्बल इनले से लेकर के ग्लास पीतल हथकरघा पॉटरी मतलब बर्तन का जो काम होता है, पत्थर का काम होता है, कालीन का काम होता है, टेराकोटा का काम होता है, उनमें से बहुत सारे जो है ओपी में भी आते हैं। इन सारे क्राफ्ट को करते हुए भी एक टूरिज्म का बढ़ावा देने की बात की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का भी एक विचार है। हाँ जी, ये हम आपको भिजवा देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इनोवेटिव ये लास्ट है स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में, मेरठ शाहजहांपुर काकुआबी बावन इमली चौरी चौरा। और ये भी साथ में कहा गया है कि ये जो नाम हमने लिए उसमें से कुछ नाम बीच बीच में रह भी गए हैं, और जो लिखे हैं उनके अलावा भी ऐसा, अगर जैसे मंत्रिपरिषद में भी कुछ मंत्रीगण ने सुझाव दिया कि ये भी ले लेना चाहिए ये भी ले लेना चाहिए, तो उनका भी समावेश करने की इसमें पूरी व्यवस्था है। और आपका और समय न लेते हुए इसकी जो प्रस्तावित जो इंसेंटिव की जो स्कीम है, सब्सिडी की स्कीम है, वो भी आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। दूसरा, एक माननीय मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार का एक मॉडल फायर सेफ्टी बिल है, फायर एंड इमरजेंसी बिल, मॉडल फायर एंड इमरजेंसी बिल है 2019। उसके कुछ प्रावधानों को भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा था कि इसको आप अंगीकृत कर लीजिए एडॉप्ट कर लीजिए। और तो उसको एडॉप्ट करते हुए 15 धाराओं को 69 में से 54 धाराओं को यथावत स्वीकार करते हुए और 15 को हमने स्थानीय अपनी परिस्थितियों के मुताबिक थोड़ा बहुत उसमें जी 69 में से 54 को हमने यथावत स्वीकार किया है और 15 में हमने स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करते हुए उसका अनुमोदन आज माननीय मंत्रिपरिषद से प्राप्त किया, जिसमें और भी प्रभावी ढंग से फायर सेफ्टी के काम को हम कैसे राज्य में लागू करें उसके जी हमारे राज्य के लिए एक नया बिल होगा। लेकिन उसमें जैसा मैंने कहा ज्यादातर प्रावधान भारत सरकार के मुताबिक हैं, कुछ हमारे अपने बनाए हुए हैं। अगला प्रस्ताव था रामपुर में आतंकवादी निरोधी दस्ता जो हमारा है ATS, उसको हमारे विभाग का नगर विकास विभाग का की एक संपत्ति वहां विकसित की गई थी ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, लगभग 40 करोड़ रुपए के खर्च से 38.60 करोड़ रुपया जो इसकी लागत थी उसमें से 80-90% कार्य पूर्ण हो चुका है। तो उस प्रॉपर्टी को हमारे गृह विभाग ने हमसे मांगा और उसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने निःशुल्क
गृह विभाग को एटीएस का वहां हब बनाने के लिए सेंटर, हमने ट्रेनिंग सेंटर विकसित किया था, लगभग 2 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा है, 2.023 हेक्टेयर मान लीजिए, 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि थी वहां की। डूंगरपुर गांव में गाटा संख्या 641 एवं 663 में हमने अपने विभाग का ट्रेनिंग सेंटर नगरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हमने बनाया था, उसे आज गृह विभाग के निवेदन के अनुसार हमने गृह विभाग को हस्तांतरित किया है। एक अगला प्रस्ताव था उसी प्रकार से एटीएस के लिए ही सहारनपुर जिले में सिंचाई विभाग की जमीन भी उसी तरह उनकी डिमांड के मुताबिक हमने 28 एकड़ जमीन लगभग है ये वो भी हस्तांतरित करने का सहारनपुर में ग्राम सुल्तानपुर के खसरा नंबर 124 मोटा, और भी कई खसरे हैं 170, 491, कुल मिलाकर के 28.095 एकड़ जमीन है, मतलब लगभग 11 हेक्टेयर से थोड़ी ऊपर, जिसकी कीमत वैसे होती है 28 लाख रुपए, लेकिन निःशुल्क देने का सरकार ने माननीय मंत्री परिषद ने निर्णय। आईटी विभाग की 2 पॉलिसी आई थी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में माननीय मंत्री जी ने बता दिया है, दूसरी पॉलिसी आईटी पॉलिसी है। सभी को विदित है कि आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये हमारी जो लास्ट पॉलिसी थी वो 2017 की थी, जो 5 साल के लिए वैलिड थी, और चूंकि वो अब लगभग कंप्लीशन पे है तो इसलिए ये नई नीति प्रख्यापित आज माननीय मंत्री परिषद ने करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जो सेलियंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें ये एक प्रॉमिस था कि हम संभाग स्तर पर आईटी पार्कों का विकास करेंगे, तो आज ये जो पॉलिसी ले डाउन हो रही है उसमें हर डिवीज़न में कम एक आईटी पार्क प्राइवेट क्षेत्र के सहयोग से बनाए जाने की बात है। उसमें हमने जो प्रोविज़न किया वो कैपिटल सब्सिडी हम देंगे 25% तक अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़ और 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन देंगे, तो अब निजी क्षेत्र के निवेशक जो हैं वो आईटी पार्क की स्थापना कर सकते हैं। हर डिवीज़न में कम से कम एक का लक्ष्य नीति निर्धारित कर रही है। दूसरा, आईटी सिटी के लिए एक परिकल्पना की गई है, जैसे कि आपने लखनऊ में एक आईटी सिटी ऑलरेडी एचसीएल आईटी सिटी के रूप में देखा है, तो नीति में ये भी प्राविधान है कि हर रीजन में पूर्वांचल पश्चिमांचल मध्यांचल और बुंदेलखंड में कम से कम एक आईटी सिटी जो है वो हम लोग विकसित करेंगे, और उसमें हम कैपिटल सब्सिडी जो दे रहे हैं 25% अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 100 करोड़, तो इतने सीमा तक हम आईटी सिटी ये निजी निवेशक के लिए होगा जो आए विकसित करें, और कैपिटल सब्सिडी और कुछ अन्य उसमें इंसेंटिव्स भी हैं जो नीति में प्रख्यापित हैं, और इसमें केस टू केस बेसिस पे भी इंसेंटिव देने की व्यवस्था है कि अगर निवेशक आता है और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई हमें कस्टम मेड पैकेज देना होगा तो भी वो भी हम दे सकते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आईटी के पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, क्योंकि अभी तक नोएडा गाजियाबाद वगैरह तक ज़्यादा सीमित था, लेकिन इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लाने के लिए ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड फॉर किए गए हैं। तीसरा इसमें है कि 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस भी हम इसमें विकसित करेंगे, जिसमें 10 करोड़ तक की सहायता हमने प्रोवाइड फॉर किया है। आईटी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइन की बहुत स्कोप है, तो उसमें भी इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन R&D यूनिट्स के लिए भी हम 5 करोड़ तक का सीमा तक अनुदान देने के लिए हमने व्यवस्था करी है। उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो आकर्षित हों, और वो अभी उनको चूंकि बाहर जा कर के रिक्रूटमेंट सीख करना पड़ता है, तो यहाँ जो आईटी की इकाइयाँ हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के युवकों को रोज़गार देती हैं, उनके लिए एक रिक्रूटमेंट असिस्टेंस 1 टाइम की इसमें व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे युवक जो यूपी के डोमिसाइल के हों, यूपी के कॉलेजेस से पढ़े हों, और यूपी के जो यूनिट्स हैं उसमें अगर उनको कम से कम 30 स्टूडेंट्स प्रति वर्ष अगर कोई इकाई रिक्रूट कर रही है
तो हम पर पर्सन पर स्टूडेंट उसको 20,000 रुपए की एक वन टाइम असिस्टेंस उस यूनिट को देंगे उस युवा को एम्प्लॉय करने के लिए, तो युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, इसमें नए नए टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही हैं आईटी के क्षेत्र में, तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज को अपने को अपनी नॉलेज को या स्किल को अपग्रेड करने की आवश्यकता रहती है, वो उनको कोर्स करने पड़ते हैं, कोर्स के लिए कई बार उनके पास में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो उस कोर्स को कर लें, तो ये नीति ये भी व्यवस्था कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे कि किस में हमारे को ये देना है, हम इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे, ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं ऑफलाइन भी कोर्सेज हो सकते हैं, और उसमें कोर्स की कॉस्ट के 50% अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 तक वो हम इस ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हम स्किल डेवलपमेंट के लिए भी और कोर्सेज करने के लिए भी ये सुविधा देंगे छात्रों को, जिससे कि वो अपना स्किल अपग्रेड करके और हाई एंड जॉब्स में जा सकें। ये आईटी यूनिट्स की एक खासियत है कि इसमें केपेक्स कम रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रहता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, तो ये पिछली पॉलिसी में केपेक्स के अलावा ओपेक्स को इंसेंटिवाइज करने की व्यवस्था नहीं थी, अब हमने इसमें ये कहा है कि 10% तक हम ऑपरेशनल कॉस्ट भी बियर करेंगे, उसमें हमने एक 10% के ऊपर प्रतिवर्ष 20 करोड़ की सीमा रखी है कि 20 करोड़ की सीमा तक हम ओपेक्स देंगे। इसमें हमने ये भी कहा है कि जो ओपेक्स में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, इसमें चूंकि ये इकाइयाँ आई टी इकाइयाँ जनरली किराए की बिल्डिंग्स में चलती हैं, तो आपके किराए को भी उसमें शामिल किया जाएगा ओपेक्स में, आपके बिजली के बिल को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, आप अगर यूपी के डेटा सेंटर में, जो यूपी में डेटा सेंटर अगर एस्टेब्लिश हो रहा है उसमें अगर आप डेटा स्टोर करते हैं तो उसको भी हम कैपेक्स में जोड़ने की अनुमति देते हैं, तो इससे यूपी में जो डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है उसको भी एक इंसेंटिवाइजेशन मिल जाता है कि उसकी ओपेक्स की कॉस्ट जो है चूँकि आई टी यूनिट्स को रिमबर्स होगी टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, तो डेटा सेंटर्स को भी इससे प्रमोशन मिलेगी, तो ओपेक्स को भी आईटी पॉलिसी इंसेंटिवाइज कर रही है। इसके अलावा क्योंकि इसमें महिलाओं की, एससी एसटी युवाओं की, ट्रांसजेंडर्स की और दिव्यांगजन की भी एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी पोटेंशियल है, तो इसलिए ईपीएफ रीइंबर्समेंट जो है वो नीति में ये परमिसिबल किया गया है। इसमें महिलाओं को अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, एससी एसटी के युवाओं को कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को कर रहे हैं और दिव्यांगजन को कर रहे हैं, तो आपको ईपीएफ रीइंबर्समेंट की व्यवस्था इसमें हमने करी है। इसमें इस बार एक्सपेंशन यूनिट्स को भी हमने इंक्लूड कर लिया है, तो नई इकाइयों के साथ साथ अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं और उसमें हमने रख दिया कि मिनिमम आपको इतने एम्प्लॉयज या इतना आपको निवेश करना पड़ेगा, तो वो भी नीति अलाउ कर रही है। और इसमें वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दी गई है, बिकॉज आई टी इकाइयाँ जनरली वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ करती हैं, तो वो भी इसमें आ रहा है। एक चीज़ जो इसमें और आज माननीय मंत्रिपरिषद ने आदेशित किया है वो ये कि जो ताज ट्रेपीजियम जोन है, क्योंकि वहाँ पे बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, आईटी एक साफ सुथरी इंडस्ट्री है और पॉल्यूटिंग नहीं है, तो आईटी को विशेष तौर से टीटीजेड जोन के लिए हमें प्रमोट करना है और उसको बुंदेलखंड और पूर्वांचल के समकक्ष हम इंसेंटिव देंगे, तो ये मोटे तौर से आईटी नीति में व्यवस्था इसमें की गई है और हमें